दोस्तों, अभी ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की बात चल ही रही थी कि इसी बीच तलाक किसका हो गया? एआर रहमान का। और इसी बीच एक और खबर आ रही है कि विराट कोहली भाई साहब ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर दिया जिसे लेकर लोग, इनके फैंस परेशान हो गए कि यार विराट कोहली का भी तलाक हो रहा है। अनुष्का शर्मा के साथ ऐसा क्या हो गया? अभी तो उनका दूसरा बच्चा हुआ है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ऐशो आराम की जिंदगी है, लंदन में शिफ्ट भी हो गए, तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि पोस्ट भी कुछ इस तरह से लिखी थी कि लोगों ने सोचा कि कहीं तो मामला कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था वही पढ़ के सुना देता हूं। विराट कोहली लिखते हैं कि पीछे मुड़कर देखें तो हमेशा थोड़े अलग रहे हैं, हम कभी भी उन बॉक्स में फिट नहीं हुए जिसमें लोगों ने हमें रखने की कोशिश की, दो लोग जब बस एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमने इतने सालों में बहुत सारे बदलाव किए लेकिन हमेशा चीजों को अपने तरीके से किया। कुछ लोग हमें पागल कहते थे, कुछ लोग बस समझ नहीं पाते थे, लेकिन सच कहूं तो हमें इन सब की परवाह नहीं थी। हम बस खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे, उतार चढ़ाव, और यहां तक कि महामारी भी हमें हिला नहीं सकी। इसके विपरीत इसने हमें याद दिलाया कि अलग होना हमारी सबसे कड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। अब इसके बाद कुछ फैंस लिखने लगे, अब जैसा लिखा है वाकई में बड़ा कंफ्यूजिंग पोस्ट था कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, विराट कोहली आप तलाक ले रहे हो? किसने कहा अरे रिटायरमेंट ले रहे हो क्या, जो थोड़ी बहुत बची क्रिकेट है वहां से भी रिटायर हो जाओगे तो हम आपको कहां देखेंगे। लेकिन अंत में पता चला कि विराट कोहली ने ये जो पोस्ट की है, एक रॉन्ग नाम का ब्रांड है उसको टैग किया हुआ है और उसी की ब्रांड प्रमोशन थी जिसके लिए विराट कोहली पर इंस्टाग्राम पोस्ट के आप कह सकते हैं कि पर पोस्ट के 9-10 करोड़ रुपए लेते हैं। हालांकि इस ब्रांड से जुड़े हुए हैं तो उसकी अलग ही बात है, लेकिन लोगों ने इस पोस्ट को नहीं देखा, लोगों ने बस टैग को नहीं देखा कि किस ब्रांड के लिए पोस्ट किया है, बस लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया, कमेंट करना शुरू कर दिया कि यार ये तो रिटायर हो रहे हैं, इनका तो तलाक हो रहा है, ये हो क्या रहा है, अपनी जिंदगी में क्या पड़ी हुई है उसकी टेंशन नहीं है, विराट कोहली की जिंदगी में यार तलाक नहीं होना चाहिए, उनकी जिंदगी में दुख नहीं आना चाहिए।